आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद समाधान के इस खास अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चीकू खाने के क्या फायदे हैं। हमें चीकू तो हमेशा खाते रहना चाहिए। ये कई प्रकार से हमारे शरीर में कई कमियों को दूर करता है। जी हाँ, जब लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स चीकू खाने की सलाह देते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसा क्या है चीकू में जो आपको इतना लाभदायक होता है। चीकू में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में होने वाली आंखों की समस्याओं को दूर करने में चीकू काफी ज्यादा मददगार होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है चीकू। चीकू में ग्लूकोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जो लोग रोज व्यायाम और कसरत करते हैं उन्हें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए उन लोगों को चीकू रोजाना खाना चाहिए। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है चीकू। चीकू में टैनिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कब्ज, दस्त और एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाता है, साथ ही आंतों की शक्ति बढ़ाता है, हृदय और गुर्दे के रोगों को भी होने से रोकता है। हड्डियों के लिए गुणकारी माना जाता है चीकू। कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की अतिरिक्त मात्रा पाई जाती है चीकू में, जिसके कारण ये हड्डियों के लिए आवश्यक बन जाता है। कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होने की वजह से हड्डियों को बढ़ने और मजबूती देने में चीकू बहुत लाभदायक होता है। कब्ज से राहत दिलाने में चीकू है रामबाण। जी हाँ, चीकू में फाइबर होता है, 100 ग्राम में लगभग 5.6 ग्राम, इसलिए इसमें अच्छी मात्रा में लैक्सटिव यानी रेचक पाया जाता है, जो कब्ज से राहत दिलाता है और अन्य संक्रमण से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। अरे भाई, कितना काम का है ये चीकू। तो अगर आप बाजार में चीकू देखें तो एक बार अपने कार्ट में डालकर जरूर लाएं और रोजाना अपनी जिंदगी में इसको खाना शुरू कर दें। आयुर्वेद समाधान पर दी गई इस जानकारी के संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।